पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इसको लेस लगा कर ऐसे फ्लावर्स, आप इसको अपनी डिज़ाइन के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ साइड में ऐसे फ्लावर्स लगा के, देन यहाँ पर साइड में मैंने मोती लगा के इसमें लेसेस तो इतना अच्छा दिखे। एंड ऑफ कोर्स कृष्णा जी की पगड़ी, मोरपंख नहीं हो तो क्या मज़ा, तो मैंने मोरपंख लगा दिया है। तो बस मैंने पेस्टिंग का ही काम करा उस प्रोसेस के बाद, और आखिरी में एक छोटा सा पीस ऑफ चुन्नी लेकर उसे साइड में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इधर पेस्ट करना है और ऐसे लटकेगा, तो आपकी जो पगड़ी है वो रेडी हो चुकी है। सो हमारी ब्यूटीफुल सी पगड़ी रेडी है। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर ज़रूर उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। और मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया, मेरा फर्स्ट वीडियो है, एंड मैंने आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आई कैन एक्सप्लेन यू। आप सोचो कि बीच में मैंने कुछ स्टेप्स स्किप कर दी, जैसे कि इसको पेस्ट करने का, तो गाइस वो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने अंदाजे से दिखाऊंगी तो फिर आप लोग वही बनाने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप पे ये छोड़ दिया जाए तो आप अपने अंदाज से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको तो अपने हिसाब से डेकोरेट करा हुआ है, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए मैंने टू लेसेस लगाई, उसके बीच में फ्लावर्स लगा दिए, ऐसा इधर करा, इधर नीचे लेस लगाई एंड इसके ऊपर ऐसे ऐसे फ्लावर्स, मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करे, रियल फ्लावर्स यूज़ मत कीजिएगा वो मुरझा जाएंगे। देन यहाँ पर है मैंने प्यारा सा मोरपंख, तो हमारी ब्यूटीफुल से पगड़ी रेडी है गाइस। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत करी ऐसे बनाने के लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मेक इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बी क्रिएटिव गाइज़।